सभी लोग जानते हैं कि कभी ये भारत हमारी जो है दानवीरों से भारत की धरती खाली नहीं है, और यहाँ ये इतिहास और शास्त्रार्थ के अनुसार लोग जानते हैं कि जब कोई कहीं से वापस आता है तो एक धार्मिक कार्य करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अयोध्या में जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो जब वापस लौटे थे तो काफ़ी धूमधाम से अयोध्या नगरी को सजाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ कुछ हम बातचीत अंश करें अंश हैं हमारे रेवसा के आशीष कुमार श्रीवास्तव जी से, क्योंकि उस पर उन्होंने घर पर काफ़ी बड़ा एक फंक्शन और आयोजन किया है, लेकिन किस उपलक्ष्य में किया है और क्या उसका तात्पर्य है हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो आयोजन आपने किया है बहुत बड़ा विशाल एक भंडारे के रूप में, किस उद्देश्य से किया है और क्या इसका तात्पर्य था? नहीं, इसका बुजुर्गों ये कहते हैं कि हर तीर्थ चारों धाम हो करके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जब अपने घर आना चाहिए। तो आप कहाँ गए थे? तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं। नहीं, आप गए कहाँ थे? हम तो इंडिया टूर गए। इंडिया टूर गए थे, कितने दिन बाद लौटे वहाँ से? करीब 42 या 43। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या देखा आपने? नहीं, वहाँ तो सभी देव देवताओं के दर्शन हुए, और मेन उद्देश्य होता है इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग के। अच्छा, वहाँ धर्म में नियम है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अच्छी चीज़ है। अच्छा, वहाँ का वातावरण और वहाँ की जो सीने आपने देखी कैसा लगा, वहाँ का दृश्य कैसा लगा आपको? वहाँ तो प्राचीन मंदिर है, अपने उत्तर प्रदेश में प्राचीन मंदिर नहीं, मनोरम दृश्य। हाँ, वहाँ का दक्षिण भारत के जितने भी हैं पुराने मंदिर अजीब भव्य। अच्छा, यहाँ के वहाँ के वातावरण में कुछ आपको अंतर दिखा? हाँ, यहाँ ठंडक रहती है, वहाँ गर्म रहता है समुद्र की वजह से। अच्छा, बहुत सुंदर वहाँ का जो है हर चीज़ आपको अच्छी लगी? अच्छा, देखो आप लोगों ने देखा कि यहाँ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कुछ अंश हैं बातचीत के और कई जगह के हैं ये स्थानीय कस्बा रेवसा के, जो कि आप लोग देखेंगे कि ये लोग इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इसके पहले भी देखा था कि जब ये लोग गए हुए थे तब भी हम लोगों ने हमने आप लोगों को जो है अवगत कराया था, लेकिन आज वो वापस आ गए हैं बसंत पंचमी के दिन के करीब में, तो फिर हम एक बार आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने घरों पे आयोजन किया है और अपने मान नात रिश्तेदार इष्ट मित्रों को एक भंडारे के रूप में अपने दरवाजे पर एकत्रित करके और उनको भोजन कराया है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के हमारे पास कुछ वीडियोस हैं और धार्मिक रामायण कथा भागवत और कन्याओं का भोजन ये सब दक्षिणा दे करके किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे राजस्थानी कस्बा रेवसा के जो है प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यापारी जो है आशीष कुमार श्रीवास्तव जी के सुपुत्र और उनके साले यहाँ पे मौजूद हैं, अनुज श्रीवास्तव और अनूप श्रीवास्तव, क्योंकि उनके वहाँ आज ये स्थानीय वाजपेयी नगर के कस्बे में रेवसा के कस्बे में काफ़ी एक फंक्शन हुआ है, लेकिन क्या हम पूरी जानकारी लेंगे दोनों से कि इतना बड़ा विशाल भंडारा और आयोजन किस उपलक्ष्य में क्यों किया गया है? शास्त्रों के अनुसार जब कोई गया जाता है या इंडिया टूर करता है तो उसके बाद उसके उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण अपने मान इनको भंडारे में सबसे पहले खिलाया जाता है, फिर जो अपने इष्ट मित्र हैं इनको भी हम लोग खिलाते हैं। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार एक रिवाज है जो करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या कहीं से पिताजी गए थे क्या? हाँ, वो अभी इंडिया टूर पे गए हुए थे। इंडिया टूर तो उसमें 40 से 42 दिन का टूर होता है, उसमें गया जाते हैं, गया के बाद पूरा रामेश्वरम गंगा सागर और सब पूरा भारत भ्रमण करके वापस आने के बाद ये जो कार्य है भंडारे का उसका आयोजन किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ? हाँ, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। कन्याकुमारी। अच्छा, जलमा जो है वह अस्त। अच्छा अच्छा, आपने देखा? हाँ। अस्त होते? हाँ। अच्छा अच्छा, सूर्य नारायण को? हाँ। अच्छा, उग्र होते हुए नहीं देखा, अस्त होते हुए देखा। अच्छा अच्छा, कन्याकुमारी में? हाँ। अगर रात में बस रुकती हूँ तो सुबह हम लोग उग्र होते हुए देखते। अच्छा, तो उग्र होते हुए नहीं देख पाए।
ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नज़ारा अथानी कस्बा रेवसा के वाजपेयी नगर का है, और ये सीन उस समय की है जब ये वाजपेयी नगर के निवासी अंबर मौर्या जी इंडिया टूर से वापस आए हैं, एक विशाल भंडारा अपने दरवाजे पर नगर में कर रहे हैं। उस समय की सीन है और काफ़ी लोग उपस्थित हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इस भंडारे में शिरकत कर रहे हैं। काफ़ी जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है और आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे एक सुंदर सी कथा का भी आयोजन किया गया है रामचरितमानस पार्क के साथ, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये भंडारी यहाँ पे भंडारा तैयार किया जा रहा है। जब गए थे तो वहाँ का वातावरण और वहाँ की जो है कैसा लगा आपको वहाँ जाने के बाद? अच्छा रहे, बहुत अपने अच्छा यहाँ से वहाँ में कुछ अंतर दिखा? बहुत अच्छा यहाँ से वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या क्या देखा? बहुत अच्छे अच्छे मंदिर देखे, बहुत अच्छे अच्छे भगवान देखे। अच्छा अच्छा अच्छा, सबके दर्शन बहुत अच्छा भवा। अच्छा, बहुत प्रसन्न भवा जी, बहुत खुश भयन। अच्छा, वहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ के वातावरण में वहाँ कुछ अंतर? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है? गर्मी है उधर तरफ, गर्मी। अच्छा, वहाँ ठंडा गर्मी होती है? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आशा। कहाँ गए थे आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद और सब गए थे, इंडिया टूर गए थे। टूर कैसा लगा वहाँ का नज़ारा? सब देखा है वहाँ, वहाँ की सीने और कैसा, मतलब पूरी बात बताइए, वहाँ का नज़ारा और वहाँ की सीने कैसी लगी, तस्वीरें और वहाँ की जो है वातावरण और कैसा रहा? वातावरण बहुत बढ़िया। हम जो खाना बनाते थे तो वो रोटी जब बनाए तो वो वहाँ रोटी रही बनती है या चावल खाते हैं तो वो रोटी मांग ले। अच्छा, वहाँ का नज़ारा कैसा रहा, वहाँ की जो है? बहुत बढ़िया रहा। ये चेला राम जी हैं, ये भी गए थे और वहाँ की जो सीन और वहाँ का वातावरण उससे जो है बड़ा खुश हुई है। साथ अंबर मौर्या जी रेवसा के कस्बा वाजपेयी नगर के स्थित में मौजूद हैं अपने घर पे। हम बात करेंगे कि ये इतना बड़ा विशाल भंडारा कन्या भोज किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किस वजह से कर रहे हैं, बताएं। ये जो इतना कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ये तीर्थ यात्रा गए थे। कहाँ को? इंडिया टूर। अच्छा, कब गए थे? ये गए थे 1 तारीख को। ठीक, कितने दिन बाद आए हैं? आए हैं 45 दिन बाद। अच्छा, फिर? फिर इसके बाद घर आने के बाद कुंवारी कन्या का भोजन करा रहे हैं, इसके बाद भंडारा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये कन्या भोज कर रहे हैं? हाँ, ये कन्या भोज उसी के उपलक्ष्य में जब वहाँ से वापस आए हैं। हाँ, उन्हीं के उपलक्ष्य में। अच्छा अच्छा, फिर अभी और कुछ करेंगे? हाँ, इसके बाद जो है रामायण बैठा रहेंगे। रामायण बैठाने के बाद तो फिर भंडारा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कई लोग गए थे आप? 2 लोग गए थे। अच्छा अच्छा, ये आप लोगों ने देखा कि कितना एक खुशी का इजहार, जैसे एक कहावत एक कहती है, जब अयोध्या जब राम को वनवास हुआ था तो जब वापस लोग लौट रहे थे तो एक दीपक जला करके और बड़ी खुशी का इजहार किया गया था, वही यहाँ पे सीन एक देखने को मिल रही है स्थानीय कस्बा रेवसा के बाद पेनगर में। और काफ़ी लोग गए थे, आप लोग देखा, ये अंबर मौर्या जी हैं सपत्नी सहित और एक विशाल कन्या भोज भंडारे के साथ इन्होंने पूरी जानकारी दी। जो खा।
इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे व्यवसाय स्थानीय कस्बा वाजपेयी नगर की सीन है, और यहाँ पे ये लोग गए थे इंडिया टूर, जहाँ से वापस आ करके और एक विशाल कन्या भोज के साथ एक वो कर रहे हैं, और ये अंबर मौर्या के वहाँ से ये सीन है, वाजपेयी नगर कस्बा रेवसा की सीन है, क्योंकि बड़ी सुंदर, और क्योंकि ये हम कुछ इनसे बात भी करेंगे थोड़ी देर में कि ये किस उद्देश्य से और क्या कर रहे हैं इसके जो जिम्मेदार हैं। ये कन्या भोज है शायद।